हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट समझते थे। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की बातें हमने देखी थी, ठीक है। चलिए, आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। देखिए, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेरे पास है, अलग अलग वैरायटी के हैं। ओपन चेन हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग अपन लोग किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे, है ना, वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। और फिर जो मेरे पास और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसकी हम बातें रखते हैं, ठीक। तो अभी तक अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है ना, तो आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक एक टॉपिक अपन लोग समझते चलेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो अपन लोग की हेडिंग रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ एनसीईआरटी में गिवन है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, देखिए, जो मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मेरे पास क्लासिफाई है। जैसे पहले मैं बात करता हूँ, जिसे मैं बोल रहा हूँ क्लोज्ड चेन है, या फिर इसे ही मैं बोलता हूं असाइक्लिक, ठीक है, क्लोज चेन या फिर पहला मेरे लिए ओपन चेन, ठीक, ओपन चेन, या फिर मैं इसको बोलता हूं असाइक्लिक। तो देखिए, नेम बड़ा ही है ना डिफरेंट होता है, असाइक्लिक। अब एक हम पढ़ने वाले एनी साइक्लिक, तो इसमें डिफरेंस है, ठीक। ये असाइक्लिक है एंड ओपन चेन, ओपन चेन या फिर असाइक्लिक कंपाउंड, ठीक। या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक है ना कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए, ओपन चेन रहते हुए हम क्या क्या बात करते हैं, इसी में बात करते हैं हम लोग। एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड, एक तो सैचुरेटेड कंपाउंड है मेरे लिए एंड सेकंड क्या है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, मतलब इसमें पढ़ने वाला एल्केन, एल्केन है ना, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की बात है। अनसैचुरेशन मीन्स का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि हम बात करते हैं एल्कीन है ना, एंड इसी में एल्काइन, ठीक, एल्कीन एल्काइन। अब देखिए, एल्कीन में तो डबल बॉन्ड है, एल्काइन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। तो इतनी कहानी हम देखेंगे ओपन चेन कंपाउंड में, है ना। अब जो मेरे पास नेक्स्ट वैरायटी है, जो नेक्स्ट कैटेगरी है, उसे मैं बोल रहा हूँ क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड है ना, या फिर रिंग है ना, या फिर साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड है ना, या फिर आप क्लोज्ड बोल सकते हो, या रिंग बोल सकते हो, या फिर साइक्लिक कंपाउंड, ठीक। अब देखिए, इसमें मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी हो सकती है, जैसे कि हम देख रहे हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक, ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, या फिर इसी का एक और नाम होता है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक। या तो आप होमोसाइक्लिक बोलो या फिर बोलो कार्बोसाइक्लिक, है ना। देखिए, ये सारे नेम्स यूज़ होते हैं, इस वजह से मुझे पता होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं कैटेगरी देख सकता हूँ, जिसे मैं बोल रहा हूँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्या चीज, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो पहले अपन लोग क्लासीफाई कर लेते हैं, फिर एक एक करके डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं उसकी बात करेंगे, है ना। अब देखिए,
होमोसाइक्लिक के अंदर भी हम देखते हैं एलीसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक, एलीसाइक्लिक कंपाउंड है ना, एंड एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक। देखिए ये जो एरोमेटिक कंपाउंड वाला पार्ट है इसको हम अलग से पढ़ेंगे है ना, डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, फिलहाल अभी के लिए हम देखते हैं। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर भी हम देख सकते हैं कि इसमें भी मैं कैसे क्लासिफाई कर सकता हूँ, बेंजिनोइड है ना, बेंजिनोइड एंड नॉन बेंजिनोइड, ठीक। तो ये देखिए इतने क्लासिफिकेशन है जो मुझे पढ़ना है, ठीक, होमोसाइक्लिक के अंदर, ठीक, एलीसाइक्लिक कंपाउंड है ना, फिर इसमें एरोमेटिक कंपाउंड जहाँ पर बेंजिनोइड नॉन बेंजिनोइड, ठीक, एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक। चलिए तो इसको आप कॉपी करिए वीडियो पॉज करके, फिर एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या क्या डेफिनेशंस हैं और डिटेल से बात करते हैं, ठीक। अच्छा ये जो पार्ट है ना इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन है ना, स्पेशली हाइड्रोकार्बन, ठीक, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम लोग इस पार्ट पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, है ना। तो पहले इसको कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, है ना। एलिफैटिक कंपाउंड, ठीक। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, फर्स्ट हेडिंग जो हमारी रहेगी फर्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम लोग ओपन चेन है ना, या फिर असाइक्लिक कंपाउंड, ठीक, ओपन चेन या फिर असाइक्लिक कंपाउंड है ना। अब देखिए इसमें हम एग्जांपल्स के बाद देखें, देखिए बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम हाइड्रोकार्बन से पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर मेरे लिए कार्बन कार्बन की चेन हो सकती है। जैसे कि देखिए अगर मेरे पास इस तरीके से कार्बन की चेन होती है, कार्बन आइटम की मेरे पास ऐसे स्ट्रेट चेन है ना, स्ट्रेट चेन, या फिर साइड चेन है, ठीक, जैसे कि आप देखो ये हो सकता है, इसको देखो आप CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक। तो यहाँ दिख रहा है कि स्ट्रेट चेन भी है, साइड चेन भी है इसमें, है ना, इसमें साइड चेन भी है, ठीक है। तो ये जो 30 कंपाउंड्स है ना, इन्हीं कंपाउंड को मैं क्या बोल रहा हूँ, ओपन चेन कंपाउंड या फिर ए साइक्लिक कंपाउंड है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई साइकिल तो फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई क्लोज हो नहीं रहा है, सिंपल स्ट्रेट चेन है एंड साइड चेन है, ठीक। तो ये बातें इसमें होती है। अब देखिए अब जो मेरी सेकेंड कैटेगरी है जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, साइक्लिक बोल रहा हूँ, जिसे हम बोलते हैं साइक्लिक है ना, या फिर रिंग है ना, या फिर क्लोज्ड क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ठीक। अब देखिए इसमें मेरे पास क्या होगा, साइकिल प्रेजेंट होगी, जैसे कि देखिए ये स्ट्रेट चेन है, ठीक, इसी को अगर हम मोड़ के ऐसे कनेक्ट करते हैं तो एक साइकिल बनेगी, है ना। अब देखिए साइकिल में भी दो वैरायटी हो सकती है ना, पहली साइकिल जिसमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन है ना, पहली कैटेगरी हम देख सकते हैं कि ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन की अगर साइकिल बनती है तो किस किस तरीके से मेरे पास कंपाउंड्स हो सकते हैं, क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है, ठीक। सेकेंड कैटेगरी बन सकती है जहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन तो हो, है ना, एंड इस एटम को छोड़कर जैसे और एटम सल्फर है ना, या फिर ऑक्सीजन, या फिर फ्लोरीन, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन, कहने का मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर अगर और अदर एटम्स आ जाते हैं है ना कंपाउंड में, तो वाली कैटेगरी भी हो सकती है, ठीक। तो अभी भी हमने देखा कि साइक्लिक कंपाउंड के अंदर मैंने दो वैरायटी देखी है ना, एक तो होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक, दूसरी क्या चीज़, हेट्रोसाइक्लिक है ना। तो अगर ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन की चेन प्रेजेंट है, क्लोज्ड चेन प्रेजेंट है, तो मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, होमोसाइक्लिक वाली कैटेगरी है ना, एंड अगर
कार्बन हाइड्रोजन के चेन में सल्फर ऑक्सीजन अदर एटम्स आ जाते हैं, है ना, तो वो किस में आएगा, हेट्रोसाइक्लिक वाले में। ठीक है, चलिए तो इसमें अभी हम एक एक करके डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिलहाल अभी हम देखते हैं। अब देखिए इसमें पहली कैटेगरी कौन सी है, होमोसाइक्लिक वाले, कौन सी है, होमोसाइक्लिक वाले, है ना, या फिर इसे ही मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, कार्बोसाइक्लिक, है ना। तो इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे CH2। ठीक है, तो ये दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, एक क्लोज्ड चेन है कार्बन एंड हाइड्रोजन की, क्लोज चेन। ठीक, तो इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक। ठीक, और ये पूरी कैटेगरी किस में आ रही है, साइक्लिक कंपाउंड में, है ना। अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे शो करते हैं। ठीक, या फिर और एग्जांपल CH2 इस तरीके से, है ना, दिख रहा है, या फिर पढ़ चुके हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये हो सकता है, ठीक है ना, या फिर हम बात कर सकते हैं इस तरीके से CH2, है ना, कहने का मतलब कि ये वाला पेंटा टाइप। अब इनकी नेमिंग की बात करेंगे हम लोग ऐसे। ठीक, तो इन कंपाउंड्स में मैं देख रहा हूँ कि एक कार्बन है ना, कार्बन कार्बन की क्लोज्ड चेन है, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कैटेगरी क्या कहलाती है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने होमोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर दो कैटेगरी देखी थी, है ना, एक तो एलिसाइक्लिक वाला कंपाउंड एंड दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, तो मुझे ये बात समझनी है, सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि दो टाइप से हो सकता है, है ना, एक तो ओपन वाले जो ये ओपन चेन कंपाउंड है, दूसरे क्लोज्ड वाले। अब क्लोज्ड में क्या होगी, क्लोज चेन होगी। अब क्लोज चेन भी दो टाइप से हो सकती है ना, एक तो ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन की, और दूसरी जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और भी आ जाए, सल्फर ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन हैलोजन एटम कोई आ जाए तो वो वाली। ठीक, अच्छा, इसके अंदर मुझे दो बात समझनी है कि अगर ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है तो उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक। ठीक, ओनली कार्बन हाइड्रोजन रखते हुए भी दो वैरायटी हो सकती है कि एक तो ये वाले वैरायटी, है ना, क्लोज चेन तो हो लेकिन इस रिंग के अंदर, इस चेन के अंदर कोई बॉन्डिंग ना हो, कोई डबल बॉन्ड ना हो। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इस चेन के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, है ना। ठीक, तो ये जो कैटेगरी है ना, ये वाली, है ना, जो कि सिमिलर किसके हैं, एलिफैटिक कंपाउंड के, है ना, ओपन चेन कंपाउंड के, इसके तो सिमिलर है। ये जो स्ट्रेट चेन से अगर मैं इस तरीके से क्लोज कर दूँ तो मुझे ये सब मिलने वाले हैं, है ना। अच्छा, इनके साथ मुझे ब्रांचिंग भी हो सकती है ना। ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, ब्रांच वाला हो गया। ठीक, तो ये किस में आ गया, है ना। तो ये जो कैटेगरी आती है इसे मैं स्पेशली बोलता हूँ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या चीज़, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, सो होमोसाइक्लिक के अंदर दो वैरायटी, एक तो एलिसाइक्लिक वाला एंड दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड वाला। तो एरोमेटिक पे अभी हम आ रहे हैं, फिर उसके अंदर दो वैरायटी, बेंजिनोइड एंड नॉन बेंजिनोइड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग हेडिंग लिखेंगे, ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड। ठीक, इसको हेडिंग लिखिए, हेडिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हेडिंग लिखिए फिर हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, है ना, दीज कंपाउंड्स कंसिस्ट, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, दीज कंपाउंड्स कंसिस्ट कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेट चेन, कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेट चेन, ऐसे लिखना है, कार्बन हाइड्रोजन, है ना, दीज कंपाउंड्स कंसिस्ट कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेट चेन और साइड चेन, और साइड चेन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दीज कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज एलिफैटिक कंपाउंड, दीज कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज एलिफैटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इन्हें मैं एलिफैटिक कंपाउंड भी बोलता हूँ, है ना, बेसिकली इनके सोर्स के बेसिस पे ये था, इस वजह से एलिफैटिक कंपाउंड बोलते हैं हम। ठीक, एग्जांपल लिख लेंगे हम लोग, है ना, एग्जांपल, एक एग्जांपल ये लिख लें, स्ट्रेट चेन वाला है, इसमें तो स्ट्रेट चेन भी है एंड साइड चेन भी है ना,
तो अगर मैं बोल दूँ कि लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 है ना, जैसे कि ये स्ट्रेट चेन हो गई है ना, ये क्या हो गई स्ट्रेट चेन है ना, एंड ये जो पार्ट बचा ना इसे मैं क्या बोल रहा हूँ साइड चेन। ठीक है, तो दो पॉइंट लिखने के बाद आप एग्जांपल लिख लो, पहला ये एग्जांपल, सेकंड ये एग्जांपल। ठीक, नेमिंग वाले पार्ट पे अभी हम आएंगे, अभी हम नेमिंग को बिल्कुल टच नहीं करने वाले हैं, है ना। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेमिंग वाला ही होगा, है ना। तो इसको लिख लिया, दो पॉइंट लिख लिया। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग हेडिंग लिखते हैं। अच्छा, इसके अंदर वैरायटी हमने देखी थी कि हम लोग एल्केन्स की बात कर सकते हैं, एल्कीन एल्काइन की, उसको थोड़ा बहुत अभी हम सेपरेट से पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इसको लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हेडिंग लिखते हैं साइक्लिक और रिंग और क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ठीक, देखिए ये लिख ले, है ना। अब इस हेडिंग के अंदर लिखेंगे, हेडिंग के अंदर लिखिएगा है ना, हेडिंग के अंदर लिखिएगा दीज कंपाउंड्स कंसिस्ट, दीज कंपाउंड्स कंसिस्ट कार्बन कार्बन क्लोज्ड चेन, दीज कंपाउंड्स कंसिस्ट कार्बन कार्बन क्लोज्ड चेन और साइकिल, दीज कंपाउंड्स कंसिस्ट कार्बन कार्बन क्लोज्ड चेन और साइकिल, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इन दीज कंपाउंड्स ओनली कार्बन हाइड्रोजन ऐसे लिखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन क्लोज्ड चेन इन दीज कंपाउंड्स, है ना, ओनली कार्बन हाइड्रोजन क्लोज्ड चेन इज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट लिखिएगा, है ना। इन दीज कंपाउंड्स ओनली कार्बन हाइड्रोजन क्लोज्ड चेन आर प्रेजेंट, है ना, आर प्रेजेंट एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट, एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट कंसिस्ट एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट अनदर एटम्स एंड इज ऑल्सो कंसिस्ट अनदर एटम्स लाइक सल्फर ऑक्सीजन फ्लोरिन नाइट्रोजन ईटीसी, है ना, एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट अनदर एटम लाइक सल्फर ऑक्सीजन फ्लोरिन नाइट्रोजन ईटीसी। ठीक है, तो देखिए साइक्लिक में क्या होने वाला है कि कार्बन हाइड्रोजन की एक साइक्लिक चेन होगी, रिंग होगी, है ना, जिसमें हम लोग का कार्बन हाइड्रोजन का चेन हो सकता है या फिर इसके अलावा अदर आइटम्स का भी चेन हो सकता है, जिसमें भी हम बात करने वाले हैं ना। चलिए इसके अंदर हेडिंग लिखिएगा, फर्स्ट हेडिंग होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। पहले ये लिखा हमने, फिर ये लिखेंगे हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसके अंदर हेडिंग लिखिएगा, है ना। अच्छा, ये कौन से कंपाउंड है जहाँ पर इस तरीके से क्लोज चेन हो सकती है और एरोमेटिक वाले भी हो सकते हैं, है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। सो हेडिंग लिख लिया होमोसाइक्लिक कंपाउंड और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग होगी एलीसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। इसके अंदर लिखिएगा फर्स्ट हेडिंग एलीसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, समझे। तो पहले मैंने ये हेडिंग लिखी, फिर कुछ पॉइंट लिखा, है ना, फिर अपन लोगों ने ये हेडिंग लिखी होमोसाइक्लिक वाली। ठीक है, फिर इसके अंदर एक और हेडिंग लिखी एलीसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। चलिए अब एलीसाइक्लिक कंपाउंड में लिख लीजिएगा, इसमें लिखिएगा दीज कंपाउंड्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक एलिफैटिक कंपाउंड, है ना, दीज कंपाउंड्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक एलिफैटिक कंपाउंड बट इन दीज कंपाउंड्स कार्बन हाइड्रोजन
क्लोज्ड बट इन दिस कंपाउंड्स कार्बन हाइड्रोजन क्लोज्ड चेन बट इन दिस कंपाउंड्स कार्बन हाइड्रोजन क्लोज्ड चेन इज प्रेजेंट, है ना। बट इन दिस कंपाउंड्स कार्बन हाइड्रोजन क्लोज्ड चेन इज प्रेजेंट, है ना। चलिए इतना लिख लिया हम लोगों ने। तो देखिए एलिसाइक्लिक में क्या होगा ना कि कार्बन हाइड्रोजन की इस तरीके से क्लोज्ड चेन होगी, ठीक, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन की और किसी की नहीं, सही है। तो एग्जांपल लिखते हैं हम लोग इस तरीके से, है ना। 1, 2, 3 साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, है ना। नेमिंग के बाद हम लोग करेंगे, अभी फिलहाल आप एग्जांपल लिख लो ये चीज़, ठीक। तो हमने देखा कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में ये सारे कंपाउंड आते हैं। तो कभी आगे चल के नाम आता है ना एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहीं लिखा हो या फिर कहीं ए साइक्लिक लिखा हो, तो ए साइक्लिक का मतलब समझना कि ओपन वाला, और एलिसाइक्लिक का मतलब इधर वाले कंपाउंड जिनके अंदर कोई भी बॉन्डिंग कोई भी खुरापात नहीं हुआ है, है ना, ठीक। तो ये बात समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट बात देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, हमने देखा था कि इसी में एक और कैटेगरी होती है एरोमेटिक वाली, है ना, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसके अंदर दो हेडिंग देखी थी हमने, है ना, होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक वाला एंड अंदर कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए अब जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना, ये एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स हैं। अच्छा, पहले कुछ बातें हम लोग रख लें। देखिए अभी हम लोग फंडामेंटल्स वाली बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एरोमेटिक को लेके एक अलग से हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, इसी बार, इसी साल, मतलब कि एरोमेटिक में हम अलग से बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, है ना, लेकिन फिलहाल अभी हम एक बेसिक बहुत ही सिंपल वाली कंडीशन पढ़ रहे हैं, है ना। अभी हम बिल्कुल एंट्री लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए हमारे पास कंपाउंड में एक स्पेशल साइकिल होनी चाहिए, है ना। इस स्पेशल साइकिल को मैं बोल रहा हूँ बेंजीन रिंग, ठीक है ना, है ना, इस टाइप की रिंग जिसमें देखिए 6 कार्बन एटम की एक क्लोज्ड चेन है, है ना, क्लोज्ड साइकिल है, दिख रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ऑल्टरनेट पे डबल सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक। तो दिस रिंग इज नोन एज क्या चीज, बेंजीन रिंग, है ना। और इस कंपाउंड को मैं क्या बोलता हूँ, बेंजीन, है ना, प्यार से बुलाते हैं हम बेंजीन। तो क्या हो गया, बेंजीन रिंग, इसे मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पर क्या है 6 कार्बन आइटम की चेन है, 6 कार्बन आइटम की चेन है, है ना, एंड ऑल्टरनेट पे, है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, दिख रहा है ना। अगर मेरे पास कुछ ऐसे कंपाउंड दिखते हैं जहाँ पर एटलीस्ट ये वाला एक रिंग तो प्रेजेंट हुई, है ना, अगर ये रिंग प्रेजेंट है तो मैं क्या बोलूँगा भाई साहब, वो एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या एरोमेटिक कंपाउंड है ना, ये एक बहुत ही बेसिक हमारे पास कंडीशन हुई है, ठीक। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना, ठीक। तो इस कंपाउंड को मैं क्या बोलता हूँ, बेंजीन। अब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल दूसरा, मान लीजिए दो रिंग लगे हुए इस तरीके से, इसे हम बोलते हैं नेफ्थालीन, नेफ्थालीन, ठीक है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड एग्जांपल्स है ना, स्कूल एग्जाम जो स्कूल में एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल लिखो आप, तो आप नेफ्थालीन लिख सकते हैं एंड एंथ्रासीन लिख सकते हैं, मान लीजिए इस तरीके से हो गया, है ना, इसे मैं बोलता हूँ एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, क्या बोलता हूँ, एंथ्रासीन डायरेक्ट, है ना। चलिए और देखते हैं हम लोग। एक्चुअल मैं एक वर्ड में नाम लेता हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए हकल्स रूल फॉलो होना चाहिए, है ना। हकल्स रूल क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं कि एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग अगर प्रेजेंट है कंपाउंड में तो वो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, है ना। अभी हम बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं, ये मान के कि आपको कुछ नहीं पता है, है ना, ये चीज़ें। अब फोर्थ कंपाउंड में लिख सकता हूँ, जैसे कि देखिए, अच्छा इस चीज़ को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसका सब रीजन हम आगे चल के पढ़ेंगे,
कि इसी जो अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है ना, इसको मैं पाई बॉन्ड बोलता हूँ, है ना, पढ़ चुके हम लोग, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। ऐसा क्यों, आगे चलेंगे हम लोग, इसमें रेजोनेंस वाली बातें होती है ना, फिर वो सब बातें करते हैं हम लोग। ऐसे दिखाए, ऐसे दिखाए, है ना। बेसिकली एक कैलकुलस की स्ट्रक्चर है, कैलकुलस साइंटिस्ट थे, उनका स्ट्रक्चर है, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है ना, एक्चुअल ऐसा नहीं होता है, है ना, ठीक। इसे मैं बोलता हूँ टॉलोइन, टॉलोइन, है ना, ऐसे हो सकता है, या फिर इसे हम बोलते हैं एनी नेम, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल्स होंगे किसके, एरोमेटिक कंपाउंड के, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और हम लोग कर सकते हैं इसी में। अच्छा, हमने देखा था कि एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने दो एडिंग लिखी थी, एक तो बेंजीनोइड लिखा था हमने, बेंजीनोइड, है ना, एक लिखा था नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बातें की कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए और भी कंडीशंस हैं, है ना, जैसे कि मैं एक लिखता हूँ, अभी एक कंपाउंड और लिख देता हूँ, ये लोन पेयर होता है, इसे मैं बोलता हूँ पायरोल, पायरोल, ठीक। वहाँ पर कोई बेंजीन रिंग मुझे नहीं दिख रही है, दिख रही है क्या, सिक्स कार्बन आइटम की चेन ही नहीं है, पहली बात तो 1 2 3 4 फोर कार्बन आइटम की चेन ही है, है ना, लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड है ना, वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि वो हकल रूल फॉलो कर रहा है ना। हकल रूल्स क्या होता है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। मुझे ये बताना है ना अभी कि फ़िलहाल ऐसा भी हो सकता है कि कंपाउंड्स में सिक्स कार्बन आइटम की चेन हो ही ना, अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड भी ना हो, फिर वो एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। जैसे कि वाला बंदा, वहाँ पर हकल्स रूल फॉलो हो रहा है ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग वाली बातें करेंगे हम, ठीक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि एरोमेटिक कंपाउंड की तो एक कंडीशन ये है कि भाई साहब एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग हो, है ना, या फिर हकल्स रूल फॉलो हो, जो कि यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ठीक। अच्छा, बेंजीनोइड कंपाउंड का मतलब क्या है, बेंजीनोइड कंपाउंड्स वे एरोमेटिक कंपाउंड है जिनमें ओनली बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, है ना। बेंजीनोइड कंपाउंड्स क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड ही है जिनमें क्या हो, ओनली बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। तो अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल लिखे ना, देखिए यहाँ पर एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट है ही, है ना। तो इसका मतलब कि ये सारे एग्जांपल्स बेंजीनोइड के भी हैं, बेंजीनोइड के, है ना। अच्छा, तो इसमें बेंजीनोइड के तौर पे हम ये एग्जांपल लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम सब लिख सकते हैं, जैसे कि एनिलीन लिख सकते हैं हम लोग, एनिलीन ये वाला, है ना, टोलुइन ये वाला, है ना, इस तरीके से ऐसे बेंजीन लिख सकते हैं हम लोग, है ना, नेफ्थालीन लिख सकते हैं, अब लिखने वाला काम कर लेंगे हम लोग, ठीक है, नेफ्थालीन, ठीक है, नेफ्थालीन लिखाइए, ठीक, ओ सॉरी, ये सही है, ठीक, नेफ्थालीन, एंथ्रासीन, ठीक। अब देखिए नॉन बेंजीनोइड में क्या होता है ना, अब देखिए नॉन बेंजीनोइड भी एक एरोमेटिक कंपाउंड से होते हैं, है ना, लेकिन उनमें क्या होता है, बेंजीन रिंग नहीं होती है, है ना, बिहेव कैसा करते हैं ये, एरोमेटिक कंपाउंड की तरह ही, लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होती। जैसे कि मैं बेंजीन रिंग का मतलब सिक्स कार्बन आइटम की चेन नहीं होगी, और इस तरीके से अल्टरनेट पर पाई डबल बॉन्ड नहीं होगा, पाई सिंगल पाई, डबल सिंगल डबल, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें, इसको देखो आप, ठीक है ना, जैसे कि अपन लोग ये बनाते हैं, ठीक, इसे हम बोलते हैं एजोलीन, एजोलीन, ठीक। तो दिख रहा है, इसमें देखिए अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड तो है ही है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 सेवन कार्बन आइटम की चेन है ना, तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है ना, लेकिन इसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है। अगर बेंजीन रिंग ना हो तो मैं क्या बोलूँगा, ये नॉन बेंजीनोइड है, ठीक। ऐसे एक और एग्जांपल होता है जिसे मैं बोलता हूँ ट्रोपोलोन, यही बनाते हैं हम लोग, ये चीज़ एनसीईआरटी में गिवन है, देख सकते हो आप लोग,
ट्रोपो लूम, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 सेवन कार्बन आइटम की चेन होती है ऐसे, वो भी ट्रोपोलोन हो गया। तो वहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट नहीं है, इस तरीके का मैनर नहीं है ना, लेकिन वो एरोमेटिक कंपाउंड है ना, उसका क्या रीजन है, हकल्स रूल वाला मतलब है ना, उसको हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये क्या हो गया, नॉन बेंजीनोइड, ठीक। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो हमने ये देख लिया कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड में लिख लेते हैं ना, हेडिंग क्या चलती है हम लोग के, एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें लिखिएगा है ना, दीज कंपाउंड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इसमें लिखिए दीज कंपाउंड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, दीज कंपाउंड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दीज कंपाउंड्स हैव, दीज कंपाउंड्स हैव, नेक्स्ट पॉइंट, दीज कंपाउंड्स हैव, दीज कंपाउंड्स हैव कंटेन, दीज कंपाउंड्स हैव कंटेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिंग, दीज कंपाउंड्स हैव कंटेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिंग, रिंग दैट इज, दीज कंपाउंड्स हैव कंटेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिंग दैट इज बेंजीन रिंग, दैट इज बेंजीन रिंग है ना, दैट इज बेंजीन रिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा है ना, दैट इज बेंजीन रिंग है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, अ सच टाइप ऑफ साइकिल, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अ सच टाइप ऑफ साइकिल इन विच सिक्स कार्बन एटम, अ सच टाइप ऑफ साइकिल इन विच सिक्स कार्बन एटम आर प्रेजेंट एंड दोज कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, एंड दोज कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इतनी कहानी लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल, ये लिख लीजिए एग्जाम्पल अपना बेंजीन, ठीक है, इस तरीके से फिर सारे एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। तो इतनी कहानी लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं पहला एग्जाम्पल, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, बेंजीन है ना कार्बन सिक्स कार्बन एटम की चेन एंड डबल सिंगल डबल ऐसे, ठीक। अब देखिए ये जो बेंजीन है ना, ये लगभग 2 साल तक पीछे करेगा ना, 2 साल तक छोड़ेगा ना ये आपका साथ, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखना चाहिए, ठीक। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक स्पेशल टाइप का हमारे पास चेन होगी, रिंग होगी, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, बेंजीन रिंग है ना, और दिस एंड ऐसे टाइप के कंपाउंड्स क्या हो रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक होने के लिए और भी बहुत सारे कंडीशन हैं, जैसे कि हकल सुल, उसको हम आगे बातें करेंगे ना। फिलहाल अभी आप एग्जाम्पल लिखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हेट्रो का एग्जाम्पल, लेकिन नाइट्रोजन आ गया है ना, हेट्रो का एग्जाम्पल है एक्चुअली वो। सो लिखिएगा 1 2 3 4 5 6, सिक्स लिखिए, आप वीडियो को पॉज करके, पॉज कर लिया, लिख लिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम लोग, बेंजीनोइड, पूरा लिखिएगा बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, ये वाला पार्ट कर लें हम लोग खत्म, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक। इसके अंदर लिखेंगे हम लोग बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड में, अंदर लिखिएगा द एरोमेटिक कंपाउंड, कहाँ लिखेंगे सर, इसमें बेंजीनोइड में, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड में लिखेंगे, द एरोमेटिक कंपाउंड विच हैज ओनली बेंजीन रिंग्स, द एरोमेटिक कंपाउंड विच हैज ओनली बेंजीन रिंग्स इन दियर स्ट्रक्चर, विच हैज ओनली बेंजीन रिंग इन दियर स्ट्रक्चर इज नोन एज बेंजीनोइड, इन दियर स्ट्रक्चर इज नोन एज बेंजीनोइड, इज नोन एज बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, इज नोन एज बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है ना। अपन लोग एग्जाम्पल के लिए यही सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ठीक, इसको छोड़ के है ना, इसको छोड़ के, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग होना चाहिए, सही है।
हो गया, कहानी कर ली हम लोगों ने। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए आप, नॉन बेंजिनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजिनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम लोग नॉन बेंजिनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें पॉइंट लिखिएगा, अ कंपाउंड विच एग्जिबिट्स एन एरोमेटिक बिहेवियर, बट डज नॉट कंटेन एनी बेंजीन, है ना, एग्जिबिट्स एन एरोमेटिक बिहेवियर बट डज नॉट कंटेन एनी बेंजीन रिंग, है ना। ठीक है, इस तरीके से इसमें एग्जांपल लिख लेंगे हम लोग, वही अपना एजोलिन एंड प्रोपोलोन। ठीक, तो अब देखिए इसमें बहुत सारे फ्यूज रिंग हो सकते हैं, है ना। अब देखिए हाई लेवल की केमिस्ट्री में, है ना, मेडिकल फील्ड की हम बातें करें तो वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिलहाल अभी इतना में मतलब नहीं है। लिख लीजिए आप एजोलिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन आइटम की चेन यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे। ठीक, एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग एजोलिन ट्रोपोलोन, एजोलिन एंड ट्रोपोलोन, ये क्या हो गया, नॉन बेंजिनोइड। ठीक, चलिए इतनी कहानी करने के बाद हम लोग आ जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के ऊपर। किस पे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और हो सकता है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड हो, है ना, अगर हकल रूल फॉलो करता है तो। ये हकल रूल क्या है, हकल रूल आके चल के पढ़ेंगे ना हम लोग। ठीक, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या चीज, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे ये हो गया, इसे मैं बोलता हूँ पाइरोल, दिख रहा है आपको। अभी हमने बातें की थी हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है, कार्बन हाइड्रोजन की तो चेन होगी, उसके अलावा एदर एटम्स की भी चेन होगी, जिसे मैं बोला हेट्रो एटम, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, सल्फर, ऐसे करके। जैसे कि ये हो गया, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर का मतलब इसका अंदर होता है लोन पेयर, इसे बोलता हूँ फ्यूरेन। क्या चीज, फ्यूरेन। एंड और एग्जांपल, जैसे कि सल्फर हो गया, इसे बोलते हैं हम थायोफीन, थायोफीन, यहाँ भी दो कर सकते हैं हम लोग, है ना, थायोफीन, है ना। और एग्जांपल, जैसे कि ये देखो आप पीरिडीन, ठीक है, इस तरीके से दिख रहे हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो दीज एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना, चलिए, है ना, तो इसमें थोड़ा सा दो लाइन लिख लेंगे हम लोग, है ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हेडिंग लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं दो लाइन लिख लेते हैं हम लोग। ठीक, इसमें लिखिएगा, लिखिए दीज कंपाउंड्स हैव कार्बन कार्बन क्लोज्ड रिंग as well as it consists hetero atom like नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, like नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर etc। चलिए अब इसमें पहला एग्जांपल लिखते हैं पायरोल का, दूसरा फ्यूरेन का, थर्ड एग्जांपल थायोफीन का, फोर्थ एग्जांपल क्या है, पिरिडीन का, है ना।
तो अभी हम लोगों ने बस बेसिक आइडिया लिया है ना, हम लोग को बुक्स में दिख सकता है कि ऐसे लिखा हुआ है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्या मतलब है, एरोमेटिक का क्या मतलब है ना, जनरल बातें है ना, एलिसाइक्लिक का मतलब, होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, ठीक है, इन सब चीज़ों का क्या मतलब हो सकता है, बहुत ही बेसिक है ना चर्चा की हम लोगों ने, नफ्थलीन एंथ्रासीन है ना, बहुत ही बेसिक चर्चा की हम लोगों ने, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करते हैं, एल्किन एल्किन एल्काइल्स के बारे में, ठीक है। फिर और छोटे मोटे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि अल्फा हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक। ये सारे पार्ट खत्म करने के बाद हम आ जाएंगे आयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, है ना। चलिए तो फिलहाल इतना रखते हैं आज के लिए हम लोग, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत